झारखंड राज्य के पलामू जिले से बड़ी घटना सामने आई, जहां नक्सल प्रभावित इस इलाके में माओवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को बम से उड़ा दिया। यह घटना पलामू के हरिहरगंज की है। जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के 12 उग्रवादियों ने इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। बम धमाके के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो घटना को अंजाम देने के बाद उग्रवादी भाकपा माओवादी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बिहार की ओर फरार हो गए। हालांकि इस बम धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई और वे पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये इलाका लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर रखी है।